सकते हो उधर बजाज, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये में बाइक फाइनेंस भी हो जाएगी। यहाँ पे पुराना वाला मीटर दे देते ना तो भाई और बड़े रखती, तो पुरानी वाली जो मीटर आता ना एन वाला, वो सुंदर था भाई, वो मीटर टच भी करो, वो मीटर तगड़ा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहन व्लॉग्स। सो टुडे वी हैव दिस ऑल न्यू ब्रांड न्यू बजाज पल्सर N125। आपको आज इसका देने वाले हैं हम राइड वीडियो। तो चलने में कैसी है, कैसा इसका लो एंड टॉर्क है, कैसी इसकी पावर है, क्या ये लाइट वेट इसको कितने हेल्प करता है, इसकी बात करें पिकअप वगैरह में, तो वो सब आपको बताने वाले वीडियो के अंदर। साथ ही में ये माइलेज दे सकती है या नहीं दे सकती है, माइलेज टेस्ट तो नहीं करेंगे बट पावर राइड करके बता देंगे कि ये आपको कितनी लगभग माइलेज दे सकती है इंजन रिफाइनमेंट से। ये बाइक जो हमने प्रोवाइड करी है मैं मधुर बजाज ने, तो अभी अपने हैरी सर हैं। तो ये बाइक अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मधुर बजाज, जो कि ओखला में शोरूम रहने वाला है, और शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से जाके अपनी डील को कर सकते हो फाइनलाइज। बाकी अच्छी डील के लिए, अच्छे ऑफर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आएंगे, तो आपको यहाँ से हेलमेट भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिलने वाला है। मतलब देखने को क्या, आप फ्री में ही ले जा सकते हो यहाँ से हेलमेट, अगर उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा। बाकी कैमरा एंगल मैं होप करता हूँ अच्छा ही मिल रहा होगा आपको। और अभी करते हैं इसको स्टार्ट, अपनी बाइक हो चुकी है स्टार्ट, तो लेट्स हिट द रोड्स। मतलब बाइक चलाने में काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी रिफाइंड इंजन है भाई, मतलब बहुत तगड़ी सी रिफाइनमेंट दे रखी है यहाँ पे इसके अंदर, तो रिफाइनमेंट में कोई भी कमी नहीं है। बाकी यार एंगल ना मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, अगर हो गया होगा ना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, तो यार एडजस्ट कर लेना यार, बुरा नहीं मानने का, ठीक है भाई, मेहनत कर रहा है आपके लिए। बाकी यार चलाने में अच्छी, सेकंड गियर वगैरह में है बाइक। बाकी यार इसमें देखो कुछ ना फीचर मिसिंग है जो टॉप मॉडल में भी नहीं आते, जैसे गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM मीटर, वो सब नहीं है। बाकी इंजन काफ़ी रिफाइंड है यार इसका, तुरंत तुरंत चली आ रही भाई, ये 41-42 ऐसे ऐसे चली आ रही भाई। मतलब अगर आप एक लाइट वेट वाली बाइक देख रहे हो ना, कि लाइट वेट हो, अच्छी माइलेज हो बाइक की, तो आप अगेन इसको प्रीफर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छा पिकअप आपको देखने को मिल सकता है। और वेट भी इसका काफ़ी कम रखा गया है, वेट भी बात करें आई थिंक ऑलमोस्ट 130-132 kg के आसपास होगी, तो वेट काफ़ी कम है बाइक का, काफ़ी बढ़िया से लगती है यार चलाने में, काफ़ी अच्छी फील है। अगर आप इसको पाँच गियर लगा लिए, मैंने पाँच गियर में देख लो अपना ये चल रही है 45-50, तो इंजन में प्रेशर नहीं है, अच्छा खासा इंजन पुल कर रहा है, पाँचवें गियर पे भी काफ़ी अच्छा पुल कर रहा है इंजन, बढ़िया चल रहा है। अभी टॉप स्पीड वगैरह तो मैं नहीं चेक कर सकता यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे, बट सस्पेंशन जरूर, ब्रेक ज़रूर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो ब्रेक्स अच्छी हैं और इन क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, क्लच आपको लगेगा स्लीपर क्लच है, बट अगेन दिस इज़ नॉट अ स्लीपर क्लच, काफ़ी लाइट वेट आपको फील होने वाला है इसका क्लच। बाकी हर गियर पे ना एक बार इसका टॉप एंड जरूर चेक कर लेंगे, हर गियर पे कितना जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड गियर तक तो कर ही लेंगे, फर्स्ट गियर पे 20-22-23 गई है, सेकंड गियर पे 50 चली गई भाई, और अंडर बेली एग्जॉस्ट है तो अच्छी एग्जॉस्ट साउंड मिल रही है देखने को। थर्ड गियर पे 79, यार फिफ्थ गियर पे तो ये मस्त भागती है, भागने में कोई कमी नहीं है, भागती बढ़िया है भाई। पहली बात तो ये बाइक की कैटेगरी समझ में नहीं आई, ये कंप्यूटर बाइक है कि ऑफ रोडर है, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ने तगड़ा दे रखा है, तो ये नहीं समझ में आया पहली बात मेरे को। थोड़ी सी यार ग्राउंड क्लियरेंस दिया था तो डिज़ाइन वाइज भी बढ़िया कर देते तो मज़ा आ जाता, झमाझम मज़ा आता। तो देख रहे हो बाइक चलने में कोई दिक्कत नहीं, चलने में बढ़िया है, एग्जॉस्ट साउंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा आप ऊँचा बैठोगे इसकी थोड़ी ना सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो शॉर्ट राइडर को मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी शॉर्ट राइडर्स के लिए, कि भाई जिनकी हाइट थोड़ी कम है ना उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी पैर वैर पहुँचाने में, बाकी जो जिनकी 5'8" 5'9" हाइट है उनके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है इस बाइक का, सबसे ज़्यादा अभी तक सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट अगेन ये सेगमेंट समझ में नहीं आ रहा इसको यार, यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से कवर कर देते ना, यहाँ से ऐसे थोड़ी सी फेयरिंग डाल के तो इसको वो बना देते पूरी की पूरी ऑफ रोडर ही बना देते, बढ़िया लगती है बाइक का लुक भी ऑफ रोडर वाला ही है ना, लेकिन इसको बना दिया नेकेड, नेकेड में वो बना दिया क्या कहते हैं स्ट्रीट में, अपनी जो स्ट्रीट टाइप की बाइक है ना, स्ट्रीट में मतलब ये क्रूज करने वाली, तो स्ट्रीट नेकेड बना दी इसको, पता नहीं क्या मतलब बजाज ने बनाया है, लेकिन यार ठीक है, मतलब बाइक का इंजन काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, ये वाला सेम इंजन अगर पल्सर 125 जो पुरानी वाली जनरेशन आ रही है अपनी उसके अंदर ये सेम इंजन अगर बजाज डाल देना
भाई वो बाइक कामयाब हो जाएगी। तो यार बहुत ज़्यादा वैसी लगती है, मतलब कंप्यूटर टाइप में। ये थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, काफ़ी अलग डिज़ाइन कैरी करती है बाइक, काफ़ी अलग मतलब अलग से डिज़ाइन है इस बाइक का। और काफ़ी लंबी चौड़ी सीटें यहाँ पे दी हुई है, बट कंफर्ट सीट में ऐड करना चाहिए था। बट ये है कि सस्पेंशन वगैरह का अच्छा अपना परफॉर्म कर रहे हैं, सस्पेंशन अच्छा, सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन कवर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन किसी भी बाइक में नहीं देखने को मिलता इस सेगमेंट में, बट यहाँ पे आपको इसके अंदर मिल जाएगा सस्पेंशन कवर वगैरह। अपन हॉर्न भी देख लो, सिंगल हॉर्न दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, ये देख सकते हो आप, चेकआउट कर सकते हो, मतलब ठीक है। बाकी बाइक वगैरह काफ़ी आप ऊँचे बैठोगे यार इसमें, हाइट काफ़ी अच्छी रहने वाली है बाइक की। पिकअप भी अच्छा है यार, पिकअप में नो डाउट कोई कमी नहीं है, पिकअप में बढ़िया है। जो लोग चाहते हैं ना इंस्टेंट पिकअप, तो इंस्टेंट पिकअप अच्छा है। एक अकेले बंदे को मैं भी चल रहा हूँ, पिलियन वगैरह होता था तो पिलियन के हिसाब से बताया था मैं आपको, पिलियन के हिसाब से क्या पिकअप है। बाकी ऑलमोस्ट मेरा वेट जो है वो 80 kg के हिसाब से है, तो पिकअप बड़ा अच्छा मिल रहा है। पिकअप में कोई कमी नहीं है बाइक के, बाइक चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसका टॉप वेरिएंट लोगे, टायर भी आपको थोड़ा चौड़ा ही देखने को मिलेगा उसके अंदर। और मतलब बाइक सही है भाई, पास आउट है, बट ये कि थोड़ा डिज़ाइन ऐसा है कि इसको उसका डिज़ाइन जो है ना हर किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला, उसका डिज़ाइन हर कोई बाय नहीं करना चाहेगा। बाकी आप जब बैठ के ऐसे चलोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी फील आने वाली है, नो डाउट कि सामने से बंदा जो देख रहा है दूर से उसको क्या लग रहा है, बट जब आप बैठ के चल रहे हो ना, ये काफ़ी ब्रॉड सा टैंक आप देख सकते हो, कितना ब्रॉड टैंक यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे पूरा कुछ इस तरीके से ये बड़ा सा टैंक इधर दिया हुआ है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। टैंक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, जो सामने वाला की जो पार्ट है ना पर्टिकुलर, यहाँ पे पुराना वाला मीटर दे देते ना तो भाई और बड़े लगती। जो पुरानी वाली जो मीटर आता है ना एन वाला, वो सुंदर था भाई वो मीटर, कुछ भी वो मीटर तगड़ा था, उसमें छोटी सी यहाँ पे डिस्प्ले होती थी, यहाँ पे इसमें बड़ा सा वो होता था एनालॉग अपना मीटर RPM के लिए, बहुत सुंदर लगता था वो वाला मीटर। ये बाइक में अगर लग जाए ना, ये अगर लग सकता है तो बहुत बढ़िया है। साथ ही में इसके इंडिकेटर जो गोल गोल से दे रखे हैं, इसमें इंडिकेटर भी एन वाले आने चाहिए, जो अपनी N150 के अंदर इंडिकेटर आते हैं वो वाले इंडिकेटर दे देते, इसमें फ्रीडम वाले इंडिकेटर लगा रखे हैं, ये फ्रीडम के अंदर आते हैं, ये है वो चीज़। बाकी यार जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी, इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह, यहाँ पे पैनल गैस वगैरह है तो इस बाइक के अंदर, तो ये छोटे छोटे फिट एंड फिनिश इशूज़ हैं, ये बजाज को सुधारने चाहिए, ये देख सकते हो आप। बाकी ठीक है, कम्यूट सेगमेंट की है, प्राइस बहुत कम है इस बाइक का, प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी मतलब कम पे करना है। साथ ही में बजाज के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, और जो सर्विस सेंटर है वो नियर बाई आपके अवेलेबल हो जाते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि जो ये क्लच वगैरह देख रहे हो, क्लच काफ़ी लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सुपर लाइट आपको यहाँ क्लच देखने को मिल जाता है, तो वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि क्लच आपको काफ़ी लाइट वेट रखा गया है। बाकी हम आ गए हैं मधुर बजाज, तो ये सकते हो उसके बगल में अपना KTM ओखला भी लिखा हुआ है, तो यह शोरूम से आप बाय कर सकते हो अपनी इस प्यारी सी मशीन को, या तो कोई भी बजाज की बाइक, बात करें NS 400 फ्रीडम, कोई भी बजाज की बाइक यहाँ पर आ सकते हो मधुर बजाज ओखला, ठीक है। अगर आपके घर पर नियर बाई ये पड़ता तो यहाँ भी आ सकते हो, बहुत सारे शोरूम से आपको पता है कहाँ कहाँ के हम वीडियो डालते हैं, तो किसी शोरूम पे भी जा सकते हो, हर जगह से हमारी पूरी हेल्प रहेगी आपको। किसी भी शोरूम पे आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको मैं अपने आप कॉन्टैक्ट कर लूँगा। बाकी बाइक कैसी लगी, ये राइड रिव्यू कैसे लगा, जो मैंने बताया जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बताया, मेरे को ऐसा कोई पैसे नहीं मिले कि इसे किसी की मैं तारीफ करूँ या किसी को कुछ करूँ। जो मुझे अच्छा लगा, इसका इंजन काफ़ी अच्छा, राइड क्वालिटी अच्छी है, सीट हार्ड है, ठीक है। ये मीटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी बाइक में और कोई दिक्कत नहीं है, स्विच गियर्स वगैरह सब बैकलाइट वाले हैं कि नहीं ये देखने पड़ेंगे, मुझे पता नहीं कैसे बैकलाइट वाले, रात में पता लगेंगे, बाकी बैकलाइट वाले ही होंगे, बजाज में दिए तो बैकलाइट ही होंगे। बाकी बाइक बहुत बढ़िया है, एकदम पास है, ठीक है। लेनी है सकते हो, लेनी है तो आ सकते हो मधुर बजाज, यहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये में बाइक फाइनेंस भी हो जाएगी आपकी, अपनी बना सकते हो उसको 10 से 15 हज़ार रुपये में। बाकी डील अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, बाइक अच्छी लगी है तो शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, सब कुछ जो मतलब कर देना। आपका भाई तबीयत ख़राब हो कुछ हो, आपके लिए मेहनत बराबर करता रहता है, तो आपका प्यार चाहिए, बस प्यार की बहुत कमी है, अपना प्यार बरसाए रखो, ऐसे ही मज़ा आता रहेगा हमको। बाकी मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में, जब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बना रखे, टिल देन सी यू, ओके बाय बाय।